गुंडा जीत गया, अगर अपराधी जीत गया तो फिर वही स्थिति होगी। इसलिए तरारी विधानसभा के लोग गलती नहीं करने जा रहे हैं, निश्चित आप ऐतिहासिक वोट से राजू यादव जीतेंगे। यहाँ महागठबंधन देख रहे हैं क्या करता है, सुदामा कौन है, सुदामा क्या है, ये कोई भाषा है, ये सामंती भाषा है, ये सामंती विचारधारा के लोग हैं, और हम लोग जो लड़ रहे हैं इन्हीं ऐसे ही तत्वों से लड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों को हटाने का काम किया है, उन्होंने तो कोई विकास किया नहीं। आप बताएं कोई बड़ा काम बताएं, भारत सरकार में मंत्री रहे, कोई बड़ा काम तो बताएं। बिहार में जीविका दीदी हमारे आशा बहने, ममता बहने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, तमाम महिलाओं को इन्होंने जोड़ रखा है, और रह करके क्या कर रहे हैं भाई, कहीं कोई तनख्वाह नहीं, कहीं कोई महीना नहीं। हमने कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जीविका दीदियों को, आशा बहने को, ममता बहने को, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, सबको 25,000 मानदेय मिले और सबको सरकारी कर्मी का दर्जा। उन तमाम ट्रेनों में भीड़ है, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, सूरत से, हमारे तमाम नौजवान भाई छठ पूजा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर जब बिहार में फैक्ट्रियाँ रहता, बिहार में वो कल कारखाना रहता, तो हमारे नौजवान भाई वो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाता, वो यहीं पर नौकरी करता। सर आप गांव का घूम करके प्रचार कर रहे हैं चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने तरारी विधानसभा के तमाम मतदाताओं को, तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज बिहार में, और पिछले 10 सालों से जो केंद्र में की जो सरकार चल रही है, और पूरा तरह से भारतीय जनता पार्टी फेलियर रहा है। बिहार में एक भी कोई विकास का काम नहीं किया गया है, एक भी नौजवानों को रोजगार दिया गया है, न तो गरीब मजदूरों को 5 डिसमिल कहा जाए कि जो जमीन मुख्यमंत्री जो वादा किए थे वो मिला, और कहा जाए कि नहीं इंदिरा आवास से पक्का मकान मिल रहा है गरीबों को, न तो सरकारी नौकरी मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से इस बिहार राज्य में फेल्योर साबित हुई है, एक भी कल कारखाना लगाने का काम नहीं किया गया है। आज छठ पूजा है, तो 4 दिन के बाद छठ पूजा, हम लोग बिहार का आप सब लोग जानते हैं कि छठ पूजा हमारे कहा जाए कि महान आस्था का लोक पर्व है। और देखिए कि पूरे ट्रेन में कई कई ट्रेन स्पेशल चल रही है, लेकिन फिर भी उन तमाम ट्रेनों में भीड़ है, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, सूरत से, हमारे तमाम नौजवान भाई छठ पूजा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर जब बिहार में फैक्ट्रियाँ रहता, बिहार में वो कल कारखाना रहता, तो हमारे नौजवान भाई वो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाता, वो यहीं पर नौकरी करता और अपने घर के पास रहता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल्योर रही है, और जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जीविका दीदी हमारे आशा बहने, ममता बहने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, तमाम महिलाओं को इन्होंने जोड़ रखा है, और रह करके इन्हों क्या कर रहे हैं भाई, कहीं कोई तनख्वाह नहीं, कहीं कोई महीना नहीं। हमने कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जीविका दीदियों को, आशा बहने को, ममता बहने को, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, सबको 25,000 मानदेय मिले और सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, इसकी लड़ाई को बिहार विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है पूरे जबरदस्ती गरीबों के घर में, और ये गरीबों को यह स्मार्ट मीटर खून चूसने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भाई ये स्मार्ट मीटर जब सबसे बेहतर है, तो पटना के विधायक के आवास में क्यों नहीं लग रहा है, दिल्ली में एमपी के आवास में क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ के तमाम आईएएस अफसरों, जज के आवासों पर क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लग रहा है, गरीबों घर स्मार्ट मीटर क्यों? हमने वादा किया तरारी विधानसभा की जनता से कि चुनाव जीतने के बाद तरारी विधानसभा के एक भी घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, और जो भी लगा हुआ है उसको हम कबार करके फेंकवाने का काम करेंगे, और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, इसकी लड़ाई को हम बिहार विधानसभा लड़ने का काम करेंगे। ओपोजिशन के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि माले ने कुछ नहीं किया है। माले ने गरीबों के जहां यहां खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीब को नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, माले ने गरीबों को इस्तरारी विधानसभा में आवाज देने का काम किया है, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, और तमाम गरीब टोले में सामुदायिक भवन से लेकर के सड़क और गली नाली को बनाने का काम किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि एक एक वोट झंडे पर, तीन तारा छाप पर। पूर्व सांसद आर के सिंह आपके सांसद को हत्यारा बता रहे हैं, मर्डरर बता रहे हैं, खूनी बता रहे हैं। अब तो मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो बड़े हमसे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, इसलिए मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, एक माननीय जो सांसद हैं आरा के लोकसभा के, दो दो बार से यहाँ के तरारी से मिले रहे हैं, इसके अलावा पिछले कहा जाए कि 40 वर्षों से
इस भोजपुर के गरीबों को, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, व्यवसायियों के आंदोलन को लगातार लड़ने का काम किए हैं। तो ऐसे जो सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको लोकर के दो दो बार एमएलए बनाया तरारी विधानसभा की जनता ने, इसी तरारी विधानसभा की जनता ने उनको सांसद बनाने का काम किया, तो इस तरह की भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो किया है उन्होंने भाषा का प्रयोग गलत किया है। थैंक यू सर। और सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार एलिगेशन लगाया जा रहा है आपके सांसदों के मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो सामंती भाषा बोल रहे हैं। हाँ। उनको हार पच नहीं रही है और वो सांसद को नहीं बोल रहे हैं, भोजपुर जिला के गरीबों को बोल रहे हैं, आरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के गरीबों को बोल रहे हैं। और उनकी भाषा तो आप देख रहे हैं, क्या करता है, सुदामा कौन है, सुदामा क्या है, ये कोई भाषा है? ये सामंती भाषा है, ये सामंती विचारधारा के लोग हैं। और हम लोग जो लड़ रहे हैं इन्हीं ऐसे ही तत्वों से लड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों को हटाने का काम किया है। उन्होंने तो कोई विकास किया नहीं। आप बताएं, कोई बड़ा काम बताएं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, कोई बड़ा काम तो बताएं। क्या कोई बड़ा काम आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं उनसे कि वो बता दें कि एक भी कोई बड़ा काम किया हो? कहीं कुछ नहीं है। कभी किसी गरीब का फोन उठाते हैं वो? किसी दलित पिछड़े का फोन कभी उठाया? कभी नहीं उठाया। कभी किसी का पैर भी किया? रोज यहाँ से प्लान कर रहे हैं लोग, दिल्ली कलकत्ता दवा बीरो के लिए जाते हैं। कभी किसी का इलाज कराया? ये सब बेकार बात है, ये सब सामंती लोग हैं। इन लोगों की बात करना, अभी फिर हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे 13 तारीख को। उनका कहा नाम था कि कौन है सुदामा? बोल तो रहे हैं कि गरीब सामंती भाषा है ना उनकी। जी जी। वो तो उनको जब पता नहीं है, वो अभी भी अपने को लगता है सांसद मान रहे हैं। जी। सांसद तो है नहीं, जनता ने तो उनको धूल चटा दिया। अब ये भाषा क्या है, कौन है सुदामा, कौन है सुदामा, ये कौन भाषा है? ये पिछड़ों दलितों को अपमानित कर रहे हैं ये। सर क्या लग रहा है, फिर से समाज में पुराने दिन लाने की तैयारी चल रहा है? अगर गुंडा जीत गया, अगर अपराधी जीत गया तो फिर वही स्थिति होगी। इसलिए तरारी विधानसभा के लोग गलती नहीं करने जा रहे हैं। निश्चित आप ऐतिहासिक वोट से राजू यादव जीतेंगे, यहाँ महागठबंधन जीतेगा, आप लोग देखते जाइए। थैंक यू।